हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डाइफिनाइल मीथेन के बारे में। जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो यूनिट नंबर 4 में आता है, ठीक है। तो ये बार लास्ट फोर्थ यूनिट का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। डाइफिनाइल मिथेन जो है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें फॉर्मूला C6H6 2 CH2 है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है उसमें मिथेन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं दो फिनाइल रिंग से, और दो मिथेन रहते हैं, जिसे हम बोलेंगे डाइफिनाइल मिथेन। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मिथेन है और दो हाइड्रोजन रिप्लेस मिथेन होते हैं। मिथेन में दो जो हाइड्रोजन होते हैं वो रिप्लेस होकर दो फिनाइल रिंग लगती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल मिथेन, ठीक है। ये इस तरीके से आप नंबरिंग भी करना आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सिंथेसिस के बारे में। तो मिथेन में CH4 होता है, ठीक है। CH4 में से दो हाइड्रोजन जो होते हैं उस पर फिनाइल रिंग होती है, ठीक है। इस और ये जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलेंगे डाइफिनाइल मिथेन। अब बात करते हैं सिंथेसिस के बारे में। तो पहला है कि डाइफिनाइल मिथेन हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन ही एक टाइप की होती है, जिसे हम सिंथेसिस बोलते हैं। पहला है हमारा फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड और बेंजीन के बीच में जो रिएक्शन होता है AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो डाइफिनाइल मिथेन का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेंजाइल क्लोराइड प्लस बेंजीन AlCl3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाई मिथाइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट होता है फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन एंड डाईक्लोरोमिथेन AlCl3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो डाइफिनाइल मिथेन बनाते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दो मोल यहाँ पे बेंजीन के होंगे और डाईक्लोरोमीथेन के साथ उसका रिएक्शन होगा AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे डाई क्लोरो सॉरी यहाँ मेरे को लिखने में गलती हुई है, यहाँ पे डाई फिनाइल आएगा, ठीक है। डाई फिनाइल मीथेन आएगा, क्योंकि डाईक्लोरो यहाँ लिखा तो गलती से मैंने यहाँ भी ये लिख दिया, तो ये हमारा नाम जो है वो गलत है। यहाँ पर मैं आपको करेक्शन करके बता देती हूँ कि डाई फिनाइल मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम बेंजोफिनॉन रिएक्शन। जब बेंजोफिनॉन का होता है रिडक्शन होता है बेंजोफिनॉन का रेड हॉट फॉस्फोरस एंड HI के प्रेजेंस में, तो फिर डाईफिनाइल मिथेन का फॉर्मेशन होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये रिएक्शन है उनका। नेक्स्ट हमारा जो है वो है फ्रॉम बेंजीन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो बेंजीन एंड फॉर्मल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगा H2SO4 के प्रेजेंस में, तो डाईफिनाइल मिथेन का फॉर्मेशन होगा। ये आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो कि दो मोल यहाँ पे बेंजीन के हैं और फॉर्मल्डिहाइड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डाईफिनाइल मिथेन बनेगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम ग्रिगनार रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिगनार रिएजेंट बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है HIRP की फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई डाइफिनाइल मिथेन का फॉर्मेशन, इस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। अब बात करेंगे हम रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो रिएक्शन में हमारा पहला आएगा नाइट्रेशन। तो डाइफिनाइल मिथेन जो है वो नाइट्रेशन करता है HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे 1-benzyl-4-nitrobenzene का फॉर्मेशन होता है। ये उसका नाइट्रेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारा डाइफिनाइल मिथेन है, उसका नाइट्रेशन होगा, तो 1-phenyl-4-nitrobenzene बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लाइजेशन। तो डाइफिनाइल मिथेन का जब साइक्लाइजेशन होता है रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का एक कंपाउंड का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। तो डाइफिनाइल मिथेन जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO4 है उसकी प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे बेंजोफिनॉन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डाइफिनाइल मीथेन में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे बेंजोफिनॉन। उसके बाद है मेडिसिनल यूजेस। तो मेडिसिनल यूजेस में आएगा कि जो डाइफिनाइल मीथेन है वो यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ मिथिलिन डाइफिनाइल डाई आइसोसाइनेट की जो है वो यूज़ किया जाता है पॉलीयूरेथीन एंड एज अ एडेसिव। उसके बाद यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ ल्यूमिनोजेंस फॉर AI। यूज़ किया जाता है एज अ एंटी हिस्टामिन मिनिक एंड उसके पास एंटी कलरजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी रहती है, ठीक है। तो ये सारे उसके मेडिसिनल यूजेस हो गए। अब बात करते हैं उनके डेरिवेटिव के बारे में। तो डेरिवेटिव में पहला जो है वो है बेंज हाइड्रोल, ये उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है बेंजोफिनॉन, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये भी एंटी हिस्टामिन एंड एंटी कलरजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाइमिथाइल फिनाइल का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।